अगले बल्लेबाज है करण। गेंद बॉल लड्डू का ये तेज बॉल और करण ने लगाया एक धमाकेदार शॉट। ओह नो, ग्रेट शॉट करण, एक्सलेंट शॉट। क्या ग्रेट शॉट प्रिया, बॉल ड्रैक्यूला के बंगले में गई है, लाएगा कौन? तो तूने बॉल लेग साइड पे क्यों डाली? ए, बॉल मैं नहीं लाने वाला, बैटिंग तो तू कर रहा है। बैटिंग कर रहा तो क्या हुआ, तू बॉलर है फील्डर है, मैं बॉल नहीं लाने वाला। देवियों और सज्जनों, इस हफ्ते के द बिग फाइट का इश्यू है बॉल कौन लाएगा, और देखना है इस महायुद्ध में प्रिया किसका साथ देती है। करण जो कह रहा है सही है, देखा, मेजॉरिटी विंस, चल जा। पर शॉट तो तूने मारा है यार, सहवाग ने सिक्स मारा और बॉल खुद लेने गया, तो अभी देखा है क्या? हाँ। अरे यार, इतने दिनों से सेवा को सिक्स मारते हुए भी नहीं देखा, आशर मनाते और आउट हो जाते हैं। और क्या। अच्छा रितेश, नेक्स्ट ओवर तेरी है ना? ए नहीं, मेरी ओवर के दो बॉल बाकी है। देखा, इसका मतलब बॉल तो तुझे ही चाहिए, तो जा बॉल लेके आ। ए नहीं नहीं, हमेशा बॉल लेने मैं ही जाता हूँ, मैं अपना बैट लेके घर जा रहा हूँ, बॉल मिल जाए तो बुला लेना। जा जा बॉल लेके आ। ले मेरे ड्रैकुला दोस्त, ले ले, आजा बेटा, आजा, आजा, ये देख, एक नई बॉल, नाइस डॉगी, नाइस, आजा। जा, वो बॉल लेके आ। दिखता नहीं क्या ये बच्चे आंटी? आइसक्रीम तो वेस्ट हो गई। ए, अपने को बहुत बड़ा हीरो समझता है। पिज्जा फाउंटेन, योर ऑर्डर प्लीज। मुझे एक वेजी पिज्जा चाहिए। सर आपका एड्रेस? हाँ मेरा एड्रेस है 205 ड्रैकुला महल पागल है क्या है? बोल क्या रहा है? हाँ 205 दरिया महल डिमेलो रोड खार। ओके सर, देन गरम गरम पिज्जा सिर्फ 20 मिनट। क्यों, ड्रैकुला से बॉल मिल गई? कहा ना 20 मिनट बाद मिलेगा, अभी अभी तो 1 मिनट बाकी है। चपाटी बच के चलना, रास्ते में गाड़ी बहुत तेज चलाता हूँ, अपुन बाइक रेसिंग में हमेशा फर्स्ट आया है। अभी रनिंग रेस में भी फर्स्ट आएगा बच्चू, बहुत तेज दौड़ेगा। किधर मारता है यार? ए रितेश, बॉल मिला क्या? नहीं यार। थैंक यू। चल रितेश आजा। बैटिंग करने देना, अरे बैट दे ना यार। चल लड्डू, ये भी तुझे बैटिंग। यस। कम ऑन रितेश, कम ऑन। कम ऑन रितेश। Hey, clean ball! Yeah. Good ball, yeah.
राजा साहब देखेंगे तो खूब मारेंगे। जा, राम, जा। आजा चल बॉल बॉल खेलते। ये चलना यार। राम राम कहाँ गया साला काम से? जब देखो काम छोड़ दूँगा तेरे को। राम ए राम राम चुबे कहाँ है तेरा काम छोड़ भाई? यहाँ आया था? अजीब लड़का है, जब देखो तब बाथरूम में घुसा रहता है, हमेशा दरवाजा बंद। राम आज तू बचेगा नहीं, आज तेरी क्लास लूंगा मैं। हाँ ए तू हंस क्यों रहा है? हाँ तू हंस क्यों रहा है साला बंदर? ठीक है राम राम बाहर आ जा। राम अबे उल्लू के राम पकड़ लिया साले गधे, मुझे बेवकूफ बनाते हैं? हाँ बाथरूम का नाटक करके यहाँ काम चोरी करता है। चलिए यहाँ से। नहीं साहब मैं सच्ची बाथरूम गया था, अभी अभी इधर आया हूँ। माँ की कसम। माँ की झूठी कसम खाता है? चल तुझे सबक सिखाता हूँ, आ जा। चमकी दीदी आपके बारे में सही कहती है। अच्छा क्या कहती है चमकी दीदी मेरे बारे में? कि गुप्ता जी बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा बैठ 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 बैठ। हाँ और क्या कहती है मेरे बारे में? पर वो किसी पे विश्वास नहीं रखते। नहीं उसे कह देना मैं सब पर विश्वास रखूंगा। जाने दीजिए ना साहब, अगर आप विश्वास रखते तो मेरा हाथ नहीं पकड़ते। अच्छा हाथ नहीं पकड़ता तू भाग नहीं जाता उल्लू के पट्टे? चल यहाँ से। वही तो चमकी दीदी कहती है कि अगर आप विश्वास रखते तो मेरा दायां हाथ पकड़ते। क्यों बाएं हाथ में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि वो बाथरूम के बाद मैंने बाएं हाथ धोया नहीं है ना। अच्छा अच्छा ए हट जानवर का, भाग भाग ऐसे, चल जाके हाथ धो के चल। यूज़लेस। चमकी चमकी क्या हुआ गुप्ता जी? नहीं वो मैं तुम्हें भाभी बनाना चाहता हूँ। भाभी? नहीं एक्चुअली रानी बनाना चाहता हूँ, इन इन भेड़ियों की भाभी बनाना चाहता हूँ। वो वैसे भी तुम्हारे घर वाले राजी हो गए, बस तुम्हारे हाथ की कमी। गुप्ता जी मैं अरेंज विवाह में नहीं लव विवाह में विश्वास करती हूँ। हाँ तो लव है इसलिए तो विवाह अरेंज कर रहा हूँ। लव एक तरफा नहीं होता। मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ। देखो हम एक साथ पिक्चर देखने जाते हैं, वहाँ भेलपुरी खाते हैं, एक नारियल में दो स्ट्रॉ डालकर नारियल का पानी पीते हैं, ये लव ही तो है। गुप्ता जी ये लव नहीं फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप? लव क्या होता है? जब दो दिलों के बीच प्यार होता है तब दोनों दिलों की धड़कनें एक हो जाती हैं, डालियों में फूल खिल उठते हैं, पतझड़ में बहार आ जाती है, घंटियां बजने लगती हैं, इसे ही प्यार का चमत्कार कहते हैं। करण तुम्हारा नाश्ता टेबल पर रेडी है, जल्दी कर लो। मॉम आज मूड नहीं है। अच्छा तो नाश्ते का भी मूड होता है? मॉम प्लीज आज नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है दूध पी लो, टिफिन में तुम्हें चॉकलेट केक दे रही हूँ। वाह चॉकलेट केक। I love chocolate cake. Thank you, mom. हाँ,
पर पहले दूध। प्लीज मॉम, मैं बच्चा नहीं हूँ, पहले दूध फिर केक। ग्रो अप मॉम, देखो मैं बड़ा हो गया, मेरे मसल्स। आई नीड नो दूध बिकॉज आई एम अ डूड। जाओ जल्दी बैग लेकर आओ, लेट हो रहा है ना। एक अपने दोस्तों में बांटना जरूर। हाँ। अच्छा सुनो, ये कल का बचा हुआ खाना है, वो बस स्टॉप के आगे जो बुड्ढा बैठता है ना, उस बेचारे को दे देना प्लीज। बेचारा? अरे बहुत खतरनाक है वो, मैं नहीं जाने वाला उस रावण के पास। बच्चे की जान लोगे क्या? बच्चा? करण, यू आर अ डूड ना, अभी भी डरते उस भिखारी से? यार ये करण नहीं आया, कहाँ गया? लो आ गया। आ गया, आ गया, आ गया। हाय। अरे लड्डू, बहुत पतला लग रहा है, नाश्ता नहीं किया क्या? नाश्ता तो किया था, हाँ कल रात को खाना नहीं खाया था, मम्मी ने करेले की सब्जी बनाई, मैंने भी भूख हड़ताल कर दी। फिर तो कल रात तेरे घर बहुत खाना बचा होगा। तेरी तो। अरे याद आया, मैं जस्ट अभी आया, चले। हाँ जल्दी आ। पकड़ना। ए जल्दी आना, बस मिस हो जाएगी। मैं सच्ची पतला लग रहा हूँ। करण, तू उस रावण के पास जा रहा है? उसके मकड़ी जैसे बाल, लंबी दाढ़ी, गंदे कपड़े, वो शैतान है शैतान। उस रावण की आत्मा उसी बैग में कैद है, इसलिए वो बैग हमेशा अपने पास ही रखता है। जादू टोने से वो छोटे छोटे बच्चों को उसी बैग में कैद करता है। तुम रावण की गुफा में अकेले जा रहे हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। रुक जाओ करण, प्लीज मत जाओ। भाग यहाँ से, भाग, मुझे तंग नहीं करना, मैं बोला ना भाग जा यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है, एक भिखारी के पास देने के लिए कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, मैं कुछ लेने नहीं, मैं तो देने। करण, करण जल्दी चल, जल्दी। टेंशन ही हो, मुझे एक बात बताओ, ये बिल्डिंग या हमारे घर किस किस रॉ मटेरियल से बनाए जाते हैं? मैडम। यस प्रीति। मैडम, ब्रिक्स और सीमेंट यूज किया जाता है। वेरी गुड, पर कुछ घर ब्रिक्स और सीमेंट से नहीं बनाए जाते। आई शो यू हाउ। अमित, स्विच ऑफ द लाइट्स। अब ये देखो, ये इग्लू है। आर्टिक रीजन जैसे कोल्ड एरियाज में लोग इग्लूज में रहते हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, ये टेंट हाउस है,
रेगिस्तान या डेजर्ट एरिया में लोग टेंट हाउस में रहते हैं। बच्चे, ये दोनों घर ब्रिक्स या सीमेंट से नहीं बनाए गए हैं। इग्लूज आर मेड अप ऑफ आइस ब्लॉक्स एंड टेंट्स आर मेड अप ऑफ क्लॉथ। अमित, स्विच ऑन द लाइट्स। सो योर दिस ईयर्स टर्म प्रोजेक्ट इज टू फाइंड हाउसेस मेड अप ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल्स, फिर उनका मॉडल बनाकर उन घरों की जानकारी सारे स्टूडेंट्स में शेयर करनी है। Isn't it exciting? Yes! चलो जल्दी जल्दी अपने टिफिन खोलो, बहुत भूख लगी है। वेज रोल्स, समोसास और वेफर्स, क्रीमी चॉकलेट केक। वाओ, मेरा पूरा टिफिन ले ले यार, मुझे सिर्फ दो पीसेस दे दे। ए, रुक रुक, सोचने दे। प्रिया, तुम? नाना, केक में बहुत कैलोरीज होती है। स्कूल के मिस फोटोजेनिक कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रही हूँ। सैलेड एनीवन? मैं एक रोल दूंगा, मुझे दो केक पीसेस चाहिए। अगर दो पीसेस चाहिए तो दो वेज रोल्स देने पड़ेंगे। सोच ले बेटा। ए बाबा, तुम लोगों का झगड़ा बाद में करना। करण, मेरा पूरा टिफिन ले लो, मुझे मेरे दो पीसेस दे दे यार। तेरी मांड वाले तो मैं बाद में करूंगा। ये क्या मजाक है? केक कहाँ है? ओह नो, केक तो श्रावण को चला गया। राक्षस भिखारी को चॉकलेट केक और दोस्तों को बासी खाना, भाई कलयुग आ गया है। अरे रावण से बहुत डरता है, उसकी जात पूरी की मान वाली कर दी है। ए, चुप रह, बस पकड़ने के चक्कर में गलती हो गई। अगर रावण से डरता तो झोपड़े पर अकेले क्यों जाता? अकेले? हम सब पीछे बस स्टॉप पर ही खड़े थे। परसों शाम को उसी रास्ते पर चल रहा था, झोपड़े के नजदीक आते ही दुम दबा कर भाग गया। अकेला था ना, मैंने बालकनी से सब कुछ देख लिया। डरपोक का, तू एक रोल ले ले, मुझे एक समोसा दे दे। ए, मैं उससे नहीं डरता। आज शाम वो केक मैं वापस ले आऊंगा, देख लेना। आप क्या लाए हो? मैं कुछ लेकर नहीं आया, सुबह जो थैली दी थी वो वापस चाहिए मुझे। वो केक मैंने खा लिया, कुछ नहीं मिलेगा। इतना बड़ा केक पूरा खा लिया? अरे मैंने गलती से तुम्हें केक दिया था। केक को भूल जा और भाग जा यहाँ से। मैं केक के बिना नहीं जाऊंगा। तुम झूठ बोल रहे हो, सुबह इसी थैले में रखा था ना तुमने। दोबारा इस बैग को हाथ लगाया तो ये हाथ तोड़ दूंगा। तोड़ दूंगा ये हाथ। भाग जा यहां से, भाग। सुपरमैन कभी नहीं सुधरेगा। इसे कहते हैं सेफ लैंडिंग, पवन हंस कहेंगे। और ऊपर से लेट, क्या करूं, ट्रैफिक में फंस गया था। ट्रैफिक? वो तो आते वक्त जो बीच देखा तो थोड़ी पेट पूजा कर ली। यहाँ रावण ने स्पाइडरमैन को भगा दिया और तुझे पेट पूजा सूझ रही है।
कैटवुमन सही कह रही है, रावण ने हम सब सुपरहीरोज पे हमला बोल दिया है। हम सब एक होकर इस अपमान का बदला लेंगे। स्पाइडरमैन, कुछ आइडिया बता। वो बैग 24 घंटे उसके पास होती है। उस बैग में उसकी पावर का सोर्स है। अगर हम उस बैग को चुरा लेते हैं तो उसकी पावर खत्म और हमारे अपमान का मुंह तोड़ जवाब। हम 24 घंटे उस रावण पर नजर रखेंगे, हर पल उसके साए की तरह उसका पीछा करेंगे और ये एक सीक्रेट मिशन होगा। हम हमेशा अलग अलग गेटअप्स में रहेंगे, वो हमें कभी पहचान नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल उसका ध्यान फिसल जाएगा और बैग हमारे कब्जे में। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज 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 मुझे कुछ, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। ए आस्ती, हाथ को चोट लगी है ना? उसने दायां हाथ पकड़ा था। हाँ, क्या घटिया प्लान था, बैग चुराएंगे। तू तो भागने में लेट क्यों हो गया? अरे इस 2.5 किलो के हाथ के पीछे 250 किलो का शरीर जुड़ा हुआ है ना। करण समझा इसको। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, आज ग्रुप ए और ग्रुप बी अपने अपने प्रोजेक्ट्स हमारे साथ शेयर करेंगे। विल स्टार्ट विद रोहन, कम। ये इग्लूस आइस ब्लॉक से बनाए जाते हैं। आर्कटिक सर्कल जैसे ठंडे इलाकों में बर्फ आसानी से पाया जाता है। एंड आइस इज द बेस्ट इंसुलेटर इन द कोल्ड वेदर। द शेप इज सर्कुलर सो दैट द फॉलिंग स्नो स्लाइड्स अवे एंड डज नॉट एक्युमुलेट ऑन इट। वेरी गुड नीता, कम। यस मैम। गुड, कम। ये घर बैम्बू से बनाए जाते हैं। बैम्बूज आर वेरी लाइट येट वेरी स्ट्रॉन्ग। आसाम जैसे पहाड़ी इलाकों में भारी बरसात होती है। बाढ़ के पानी से बचने के लिए इन घरों को 10 फीट की ऊंचाई पर बांधा जाता है। वेरी गुड नीता। देखा बच्चों, पंछी जैसे पेड़ पर घोंसला बनाता है, उसी तरह हम इंसान भी कभी कभी अपने बचाव के लिए ऊंचाई पर घर बांधते हैं। अरे स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए कोई तो आइडिया सुना दो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तू टेंशन तो ऐसे ले रहे जैसे सारा काम खुद ही करता है। आज मैम कितनी गोरी लग रही थी ना, कौन सा क्रीम लगाती होगी? टूथपेस्ट लगाती होगी। आप रे इतनी गोरी। अरे यार कोई तो आइडिया सुना दो। अरे अरे तू रावण का झोपड़ा क्यों नहीं बना लेता, बहुत आसान होगा। प्लीज रावण का नाम भी मत लो, बहुत परेशान कर चुका है। लड्डू अब और नहीं करेगा। ऊपर देखो, अगर इस पेड़ पर हम एक लकड़ी का घर बना ले तो उस ऊंचाई से हम 24 घंटे रावण पर नजर रख सकते हैं। ये ट्री हाउस हमारा बेस कैंप होगा और वो रावण हमें कभी पकड़ नहीं पाएगा। पर ट्री हाउस बनाने के लिए लकड़ियां कहां से मिलेगी और फिर हम ट्री हाउस बनाएंगे कैसे? तुझे कुछ आता है क्या? अरे साइड से लकड़ियां चुरा लेंगे, तू बस देखता जा। काम का नहीं, सब मुझे संभालना पड़ता है। यूज़लेस। हे
ये फल्लिया किसने गिराई? मुझे नहीं मालूम साहब, हम जब यहाँ आए तो फल्ली गिरी थी, हम यहाँ पे सीमेंट मारने आए हैं। अरे वाह राम, ये तो राम राज्य आ गया है। तू आज बिना बताए काम कर रहा है, ठीक है, काम होने के बाद फल्ली लगा देना। ये छोकरे के पास इतने नए जूते कैसे? देखू तो कौन है। साहब मैं अब काम पे लग जाऊं? हाँ हाँ, पूछता क्या है? तो ये तो जूते नए लग रहे थे, इतने मेरे आंखों का प्रॉब्लम है कुछ। वो क्या है ना, हमें लकड़ियां चाहिए। एक्चुअली हम लोग ट्री हाउस बना रहे हैं। क्या बना रहे हो? ट्री हाउस, पेड़ पर घर। तुम्हें घर से निकाल दिया गया क्या? पेड़ पे रहेगा? दो दिन में तेरा झोपड़ा बना डालूंगा। अरे नहीं नहीं, पेड़ में नहीं रहना है। दरअसल हमारे सामने वाला भी मेरा मतलब है वो हमारे सामने वाले बंगले में जो डॉबरमैन है ना, उस पर नजर रखने के लिए ट्री हाउस बना रहे। मुझे पता है तुम उस भिखारी पर नजर रखते हो। तुम्हें कैसे पता? किसने बताया? अरे पिछले 3 दिनों से तुम्हारे और उस भिखारी का नाटक देख रहा हूँ। अरे तुम्हें मालूम नहीं है वो भिखारी बहुत चालू है। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम बता रहे थे कि तुम मेरे लिए एक झोपड़ा बना सकते हो। झोपड़ा? समझो ये 10 माले की बिल्डिंग का प्लान मेरा ही तो है। अरे उस गुप्ता को क्या आता है, मुझे बड़ा हो क्या आर्किटेक्ट बनना है। तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो, बहुत मजा आएगा। ये राम है, अगर ये नहीं बचाता तो गुप्ता मुझे, और ट्रियास बना तो इसके लिए बच्चों का खेल है। बिल्डिंग में 10 माले है, ये पेड़ तो पहला ही माला है। मेरे ख्याल से हमें रस्सी, बम्बू और 5 फोली और लगेगी। अगर ये चढ़ेगा ना तो 10 फोली लगेगी। चलो तो हम काम शुरू करें। हाँ चलो। यस। यस। आइए आइए, बैठिए बैठिए। पानी अभी तो ले क्या? ये अपना नारियल वाला किधर टाइम पास कर रहा होगा। पानी अभी तो आपने पिया फिर से। आप टेंशन मत लो, वो देखो नारियल पानी वाला आ गया। मैं कृष्णा अय्यर यमाई नारियल पानी वाला सरकार को सलाम मारता है जी। आपके लिए गिफ्ट लाए जी, आपके पुराने दुश्मन हरी अंपायर की उंगलियां काट को कोकोनट ऑयल में फ्राई करके लाए जी। यही उंगली उठाता था ना मेरे खिलाफ? अरे सरकार को कोई आउट कर सकता है? उस अंपायर की तो वाह वाह कृष्ण अय्यर। अरे अपने लड्डू भाई भी आ गए। आओ सरकार के दरबार में लड्डू भाई का सभी को सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। ये लीजिए पूरा पेमेंट।
मॉनिटरिंग बैग खोलो। ये सारा पैसा ले लीजिए, हमें हमारा माल दे दीजिए। मतलब अब क्या आदमी उस रावण का बैग उठा नहीं पाए? देखिए देखिए लड्डू भाई, हम कोशिश कर रहे थे लेकिन उल्टा वही हमारे ट्री हाउस में घुस गया। ये अपने मुंबई में ना खाली जगह दिखे नहीं कि लोग रहने आ जाते। सरकार आप मुझे हुक्म दो जी, अभी उस रावण को टपकाएगा। हाँ, टपका दे। फालतू बात मत कर, तेरा दुबई का वीजा हो गया? नहीं। टपकाने के बाद कहाँ जाएगा? देखिए आपने जबान दी है, ट्री हाउस होगा, नजर रखेंगे, बैग मिलेगी। लड्डू भाई हमें थोड़ा टाइम दीजिए। बॉस ये आइटम गर्ल कब काम आएगी? मैं कल ही राम गोपाल वर्मा के फिल्म का ऑडिशन देकर आई हूँ, मैं नाच के उसे डिस्ट्रैक्ट करती हूँ और आप उसका बैग चुरा लो। ए, ए, रुको रुको, स्टॉप इट। कोई और तरकीब सोचनी पड़ेगी। अन्ना तू तो अपना आइडिया सुना। अरे राम तेरा आइडिया तो मस्त है यार। कैसे दुम दबा के भागा था वो? रावण तुम हमसे पंगा ले रहे हो? और क्या, कहाँ जा रहा है? अरे वो पानी का टैंकर आ गया ना, गुप्ता के सामने पानी मारने का नाटक करना पड़ेगा। चलो चलता। चल बाय। हाँ हाँ चल चल। ये बाय, चलना जाना। मैंने कहा था ना उसके बैग में हथियार है, देख। वो सचेर को पत्थर पर घिस रहा है, वो जरूर हमसे खतरनाक बदला लेगा। हाँ, वो तो इधर ही आ रहा है, ये देख। अरे वो यहाँ ऊपर तो नहीं आएगा ना? अरे ट्री हाउस पर आने जाने का रास्ता तो एक ही है, अगर वो लैडर से ऊपर आएगा तो हम लड्डू को नीचे देखे लेंगे। इसका वेट आज तक कोई झेल पाया? Next.
कहाँ गायब हो गया? ये वो देख, डरपोक की का, उसकी हिम्मत भी नहीं ऊपर आने की। उस डिब्बे में क्या हो सकता है? बम तो नहीं रखा होगा? आजकल न्यूज में कितने बम ब्लास्ट हो रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वो तो खुद यहाँ सोना चाहता है। अगर बम से ट्री हाउस उड़ा देगा तो रात को क्या करेगा? देखिए ऐसे स्माइल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि रावण पागल हो गया। तो बड़ा चालाक निकला, उसको कुछ बड़ा लेसन देना पड़ेगा। अरे तुम्हें भीगने में मजा नहीं आया क्या? मैं तो हमेशा टैंकर के पानी से नहा लेता हूँ। ए, वो बात अलग है, रावण ने हमें ललकारा है, उसकी लंका पर अटैक करना ही पड़ेगा। ए, ए। ये गंगाड़े हम पर अटैक कर रहा है, ये पागल हो गया क्या? मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है यार। अरे इस ड्रैकुला को तो मैंने कई बार उल्लू बनाया है। तू डरना मत, कुत्ता ही तो है, कुत्ते से क्या डरना। करण कुत्ता ही तो है, कुत्ते से क्या डरना। कुत्ता आ रहा है, जल्दी आ आ आ आ जल्दी आ 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 से कम खतरनाक हूं। यहां के बैठो, बारिश में मत भीगो। तुम्हारी वजह से बारिश में फंस गए। कुत्ते से इतना डरते क्यों? तुम नहीं डरते क्या? हाँ, तुम लोग तो सिर्फ कॉकरोच से डरते हो। हमारे ट्रीहाउस पर कॉकरोच क्यों छोड़े? तुमने मिर्ची का धुआं क्यों छोड़ा? तुम यहाँ कैसे सो सकते हो? ये पेड़ का घर हमारा है। घर का किराया ले लो। नहीं नहीं नहीं, किराया नहीं चाहिए, तुम बस यहाँ आया मत करो। रात को सोने की तो बात है, वहाँ सोता हूँ पुलिस मुझे डंडा मारती है, म्यूनिसिपलिटी वाले झोपड़ी तोड़ देते हैं। तुम्हारी तरह मेरे पास पक्का घर तो है नहीं ना। तो पक्का घर तो मेरा भी नहीं है, मैं थोड़ी यहाँ सोता हूँ। क्या मतलब तेरा घर नहीं है? बिल्डिंग के पीछे तो तेरा घर है ना। 5-10 पत्रे लगाकर पक्का घर थोड़ी बनता है। जिस दिन ये बिल्डिंग पूरी हो जाएगी, सब लोगों के सब फ्लैट तैयार हो जाएंगे, उस दिन हमारा झोपड़ा टूटा, हमारा काम खत्म। हम दूसरों का घर बनाते हैं और बाद में हमारा ही घर टूट जाता है। पर हमारे झोपड़े से मजबूत ये पेड़ का घर है ना, ये पेड़ तो कहीं नहीं जाएगा ना। Thank you.
चल खेल। डाला। अरे यार। डाल। ओह नो। हाँ। ये बोल। तो ये पैलेस। पैलेस हो गया। और ये 50 हो गई। चल खेल। टीवी। ग्लासोइस। डाला। डाल। पोल्ट्रो। यस। सतीश। लड्डू। ए हटना। चलना यार। करण आओ ना जल्दी। 20 डैमेज किया। आई लव रेन। ये तो मेरा झोपड़ा है, यहाँ तो मैं सो सकता हूँ। हाँ, हम सब ने फैसला किया है कि तुम रात को हमारे ट्री हाउस में सो सकते हो। पर ये मत समझना कि हम तुमसे डर गए। हम जब भी बोलेंगे तुम्हें ट्री हाउस खाली करना होगा। और सुबह देर तक मत सोना। मंजूर है? मंजूर है। हाँ, और रात को रखवाली भी करनी होगी। सोऊंगा तो रखवाली कैसे करूंगा। हाँ ठीक है आज रात से ट्रियाउस तुम्हारा। सॉरी हाँ। hey, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सब आते होंगे। हाँ I love nature. गुप्ता हाँ, काम हो गया? हाँ बख्शी साहब, ये देखिए। बख्शी कंस्ट्रक्शंस, बिल्ड योर नेस्ट टुडे। हम तो अपनी पब्लिसिटी में भी नेचर को इस्तेमाल करते हैं बिकॉज वी लव नेचर। गुड, वेरी गुड, वेरी नेचुरल। गुप्ता जी हमारा काम हो गया, हम जाए। रुको गुप्ता जी, ये होर्डिंग दिखाई दे रहा है? हाँ सर। इधर आओ। एनी प्रॉब्लम सर? चुप। ए बच्चे, इधर कोई होर्डिंग दिखाई दे रहा है? नहीं। देखा? अरे पब्लिसिटी वो होती है जो चारों तरफ से दिखाई दे, आती जाती पब्लिक को दिखाई देनी चाहिए। सर डालियां सामने। परमिशन निकाल लो, पेड़ अपनी साइड पर ही है। कौन सी साइड सर? वो कांदिवली वाली। अरे यार तुम फिर कुछ गड़बड़ करेगा, तुम हमेशा गड़बड़ करता है। चलो मैं दिखाता हूँ कौन सा पेड़ है, चलो। इधर, अभी अपनी आंखों से देख लो, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वहां सामने से आने का नया गेट बनेगा, उधर से। सर यहां से कैसे बनेगा, बीच में पेड़ है ना सर। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। थैंक यू सर। अबे गधे, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि इस पेड़ को काटना है। ये पेड़ इधर से गायब हो जाना चाहिए, समझे? ओके सर।
साल में कितनी बार नहाते हो? तुम शैम्पू लगाते हो? अब तो हम दोस्त हैं, सब कुछ शेयर कर रहे हैं। ये तुम्हारे बैग में क्या है? हमेशा तुम्हारे पास होता है। दोस्ती में हम सिर्फ पेड़ का घर बांटते हैं, अब और वो भी नहीं बांटेंगे। अरे रियाज में तो सिर्फ रात को सोता है, दिन तो हमारा है यार। ये ट्री हाउस अब किसी का नहीं होगा। पांडवों, तुम लोग द्रौपदी को मेरे पास हार चुके हो। तुम्हारा सारा राज्यपाट, पैसा, सब मेरे पास है। दुशासन, द्रौपदी का चीर हरण करके मेरे ट्रक में बिठा दो। दुर्योधन, तुम द्रौपदी को अपमानित कर रहे हो। भ्राता युधिष्ठिर, अगर आप आदेश दे तो मैं धनुष बाण से इस दुर्योधन के 100 टुकड़े करके 99 कुत्तों को खिला दूंगा। 99 कुत्ते क्यों? एक दो टुकड़े खाएगा शायद, वो बोनस। ज्यादा शाला बनने की जरूरत नहीं, जाओ और द्रौपदी का वस्त्र हरण करो। लैडली सर। दुशासन, कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मेरा क्यों पी रहे हो? इनका पियो ना, सार्वजनिक है। हाँ, सार्वजनिक मतलब? सार्वजनिक मतलब वो सड़क छाप, ओ पॉजिटिव, सबके सर चढ़ के बोलता है। मैं अभी इधर ही तेरा फुल टूक कर दूंगा। सॉरी सर। जा 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 और द्रौपदी का चीर हरण करो। सहदेव, हम द्रौपदी हार चुके हैं। अरे इस पेड़ की छत्रछाया का लाभ तो मैंने भी लिया है, और तुम लोगों ने कहा था ना इस पेड़ की रखवाली करने के लिए, तो तुम्हारे इस युद्ध में मैं तुम्हारा सारथी हूं। दुशासन, यू ब्लडी इडियट, गेट अप, गेट अप। संस्कृत सर, संस्कृत, संस्कृत। इस बार तो तुम लोग जीत गए। यदि इस पेड़ की एक भी डाली बचा पाए तो मेरा नाम दुर्योधन। अरे मुंबई में अभी खाली प्लॉट बचे ही कहाँ है, तो एक काम कर, कोई कब्रिस्तान का ही सौदा करवा दे, वहीं टावर ठोक दूंगा। गुप्ता, वो मेरे फेस टू की चौथी बिल्डिंग का स्लैब पड़ गया, और वो पीएमसी से सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए। मैंने ऑफिसर से बात कर ली थी, सेटिंग भी कर दी थी। अरे क्या हूँ, कुछ बताएगा भी? साहब बहुत भूखा हूँ, साहब कुछ खाना मिलेगा? ए चल, दिखता नहीं साहब है, चल चल। ए भगा इसको यहाँ से। ए चल। गुप्ता, ये पेड़ जाएगा, यहाँ से हम एक और गेट बनाएंगे, रेलवे स्टेशन और मार्केट दोनों और करीब, और मेरी बिल्डिंग के स्क्वायर फुट के भाव बढ़ेंगे। मुंबई का शंघाई बने या ना बने, लेकिन मेरी बिल्डिंग के स्क्वायर फुट के भाव न्यूयॉर्क से भी ज्यादा। साहब, साहब कुछ खाने को दो ना साहब। जाओ ना यहाँ से, साहब के पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो आओ ना, साथ मिलके भीख मांगते हैं। नॉट अ बैड आइडिया सर, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट न्यू। शट अप इडियट, भगाओ इसको। शट अप, भाग जाए सर। सर एक्चुअली प्रॉब्लम हो गया उस पेड़ का सर। परमिशन मिलने में प्रॉब्लम है तो भाड़ में गई परमिशन। देख, कल हमने रस्ते में पेड़ काटा। हाँ। हमारे पास उसकी परमिशन थी। हाँ।
लेकिन रस्ते की पब्लिक ने क्या रुक कर हमको परमिशन पूछा, परमिशन देखा? नहीं सर। अरे यार, आज पब्लिक को इतना टेंशन है, उनको एक पेड़ की कहाँ पड़ी है। कल दिन दहाड़े बिना परमिशन ये पेड़ कटवा दे, समझ गया? सर, आपने बोला पेड़ कट गया सर। चलो आज वो पेड़ काटना है। हाँ हाँ हाँ। Come on, come on, Tony, you are the first one. Come on, go. Goal मेरा तेरा ही है यार। Go, Tony, go. आज किसी बाबा का जन्मदिन है क्या? रास्ते पे मुफ्त में खाना बांट रहे हैं। ये, तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो? आओ इधर आ। अरे आओ यार। ये क्या कर रहा है? गेट तो उधर है। हाँ क्या है? ये सिग्नल लगा लो। अरे क्या कर रहा है? मेरे को मैराथन, मैराथन। अरे ये समोसे खाइए और ये कोल्ड ड्रिंक्स पीजिए, एकदम फ्री है। ये फ्री है? फ्री है। और ले लो। अरे पेड़ छोड़, फ्री मिल रहा है। ले लो। ऐसे मुंह पे मारूंगा ना, फेंक के चुपचाप खा। पॉकेट में मिल रहा है फिर भी नाटक कर रहा है। अरे तुम लोग यही खड़े रहोगे क्या? जाओ भागो, हमारे साथ जीतनी है। अरे लेकिन कहाँ भागना है? अरे तुम लोगों ने स्टॉल से खाया पिया ना, तो इसका मतलब तुम लोग मैराथन में हो। आगे और भी स्टॉल्स मिलेंगे, मुफ्त में खाना मिलेगा। आगे मुफ्त में खाना मिलेगा? अगर काम पर नहीं गए ना तो साहब हमें मुफ्त में मारेंगे। अरे सिर्फ दो लोग हैं तुम्हारे आगे। अगर ब्रॉन्ज मेडल लाओगे तो सब खुश हो जाएंगे। ब्रॉन्ज मेडल? या मुफ्त में खाना, ब्रॉन्ज मेडल, साहब खुश। चलो कहाँ जा रहे हो? मैराथन, ब्रॉन्ज मेडल, हम भाग भाग के पेड़ के पास जा रहे हैं। गेट तो वहाँ है। हाँ तो उधर ही जा रहे थे भाग भाग के। अच्छा, क्या है ना, हम वही जा रहे थे। ये बच्चे हमें वहाँ से भगा रहे हैं। कौन से बच्चे? ये देखो बच्चे कुछ है। ये क्या है, कहाँ भगा रहे इनको? तो तुम लोग मैराथन में नहीं हो? हम तो पेड़ कटने वाले हैं। मैराथन, ब्रॉन्ज मेडल। चुप है। कमाल है अंकल, ये लोग ऐसे कपड़ों में, तो हमें लगा ये मैराथन में होंगे, इसलिए हमने इन्हें समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स दे दिए। वैसे समोसे और ड्रिंक्स फ्री है, आप भी लीजिए ना। हाँ लीजिए लीजिए लीजिए। हाँ या या अच्छा, थैंक यू थैंक यू। चलो चलो काम पे लग जाओ अभी। चलो चलो गुप्ता से तो बच गए। कम ऑन लड्डू। ए चंपू, अगर स्टॉल से कोल्ड ड्रिंक पी लेता तो ऐसे नाटक नहीं करता। कोल्ड्रिंक पीने से तो करण ने मना किया था, वैसे ऐसे मौका मैं छोड़ता हूँ क्या कभी? करण, तूने अपनी टीम को छोड़ के दूसरों को मुफ्त की कोल्ड्रिंक पिलाए। करेक्ट। चुप यार, कटस को भगाने का प्लान तो फेल हो गया, अब हम ट्री को कैसे बचाएंगे? हेलो, हाँ हाँ बख्शी साहब, नहीं माल तो आ गया। हाँ हाँ नहीं, मैंने खुद उतार के लिया। हाँ सब ठीक ठाक। हाँ आज कट जाएगा। हाँ ए क्या हुआ? कुछ नहीं सब, कुछ नहीं, कर रहा हूँ। ए तू नीचे क्यों आ रहा है? अभी नीचे आएगा तो काम कौन करेगा? अरे उतार। ए कहाँ जा रहा है? जानने सब बहुत जरूरी है। पेड़ कटना ज्यादा जरूरी है? ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। ए, अरे सुन, ए कहाँ जा रहा है? हर दिन का नाटक है इसका। तेरा तो कुछ नाटक नहीं ना? क्या साहब, ओके एकदम ओके। अपुन तो सुबह सुबह ही साहब, मैं तो सुबह सुबह हल्का हुआ था, प्रेशर बढ़ गया। नहीं, तो ये पेड़, प्रेशर बढ़ गया मेरा, प्रेशर बढ़ गया। अरे
प्रेशर इनका बढ़ता है, हवा मेरी निकलती है। करण, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, क्या हो रहा है? एक आदमी के लिए 10 बूंद काफी है, पेट की बहुत तेज दवाई है, संभाल के काम करना। ये ले। सवेरे से मेरा टाइम खराब कर दिया, यूजलेस, यूजलेस। पता नहीं मैं भी सवेरे सवेरे से क्या खाते रहता हूँ, पीते रहता हूँ। ए, तुम लोगों ने कितनी दवाई डाली? रावण ने कहा था 10 बूंद काफी है, 2 आदमी है तो इतना ठीक रहेगा। अरे यार, उसने 10 बूंद बच्चों को सोचकर कहा होगा। तू ऐसा कर, पूरी बॉटल डाल दे। पूरी बॉटल? अबे बाहर आजा, अरे बाहर आजा मेरे राजा, अबे मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, बाहर आजा। बहुत जोर की लग रही है, बाहर आजा। अभी तक इधर ही है, जाओ उधर पेट काट जा। मालिक मुझ पे जुल्म मत करो, एक बार तो अंदर बाहर हो जाओ। मैं साहब हूँ, मैं पहले अंदर जाऊँगा। अबे बाहर आजा। दत्तू आजा बाहर, देख। एक मिनट। हाँ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुप्ता जी चलिए हम सब मंदिर जा रही हैं। नहीं नहीं, मैं इस वक्त सिर्फ एक ही जगह जा सकता हूँ और वो मंदिर नहीं है। ये आवाज कैसी? वही कह रहा हूँ ना यार, यहाँ अलग अलग आवाजें आ रही है। गुप्ता जी, मैं कहता हूँ तुम यहाँ से चली जाओ। गुप्ता जी मेरी बात तो सुनिए, कल रात सपने में गणेश जी ने कहा कि मेरी शादी जल्दी होने वाली है, मुझ पर प्यार का चमत्कार होगा, आप भी मंदिर चलिए, आपका भी भला होगा। नहीं, अगर तुम यहाँ से चली नहीं गई तो मेरी भलाई फटकर बाहर आ जाएगी। जाओ ना मेरी माँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। जाओ 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 बाहर आ जा। अब तक हुआ नहीं, अब तक बैठा अंदर। ए, तत्तू बाहर आ जा, मैं तो नौकरी से निकाल दूंगा। राव साहब, घर परिवार वाला हूँ, नौकरी से मत मैं ये पकड़ के रखता हूँ, वो जैसे बाहर आएगा ना, हवा बाहर जाएगी, अब अंदर जाना। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ गया, हवा भी आ गई। एक मिनट, जाओ हवा, जाओ हवा, जाओ हवा, जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ। बेचारा गुप्ता आधे घंटे तक चिल्लाता रहा और जब तक बाथरूम खाली हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और लड्डू ने भी तो जान लगा दी गोल गोल भागकर। चलो मैं चलता हूँ, वो प्रिया को उसके प्रोजेक्ट के लिए हेल्प चाहिए तो उसके लिए लाइब्रेरी जाना है, ठीक है? अब प्रिया ने बुलाया तो जाना ही पड़ेगा। ओए चुप। ए हेले करण, यू नॉट हेल्पिंग मी। हाँ हाँ बता ना, बता। तुम्हें मेरा प्रोजेक्ट तो पता है ना? मुझे अपना प्रोजेक्ट भी नहीं पता। See, I'm interested in Japanese houses because they are earthquake resistant. किसने बताया? अरे 1998 में जापान में बहुत बड़ा भूकंप हुआ था, लेकिन एक भी मकान नहीं गिरा, पता है तुम्हें? 1998? नहीं यार, उस वक्त तो मैं इंडिया में ही था। करण, be serious. मुझे इन घरों के रॉ मटेरियल्स के ऊपर रिसर्च करना है। न्यूज़पेपर वाले सेक्शन में चले। चलो चलो। नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट श्री सुधीर आपटे इज मिसिंग फ्रॉम हिज रेसिडेंस एट प्रताप नगर नागपुर। If anyone knows his whereabouts, please contact the nearby police station. Baba, please forgive us and return home. Yours, Vinod. Oh, wow. मैंने सुना नागपुर संतरों के लिए मशहूर है। हाँ मैंने भी सुना है, वहाँ संतरे अच्छे मिलते हैं। कैसी जगह है नागपुर? सुना है बहुत गर्मी होती है। मुझे नहीं मालूम,
प्रिया का काम हो गया। यहाँ मुंबई से नागपुर कितना दूर पड़ता है? ये नागपुर नागपुर क्या लगा रखा है, वहाँ संतरे खरीदने जाना है क्या? तुम नागपुर छोड़कर मुंबई क्यों आए? लिखो, तुम्हारा बेटा कितना परेशान है। एक बार पढ़ो तो, वो माफी मांग रहे हैं। तुम वापस अपने फैमिली के पास जाओ। क्यों ऐसे अकेले रहते हो रास्ते पर? रास्ते पे रहता हूं, अपनी मर्जी से रहता हूं। तुम बच्चे हो, अभी नहीं समझोगे। दोबारा ये बात कभी नहीं करना। गुप्ता। यस सर। गुप्ता, तुम गधे नहीं। नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, तुम तो गधों के किंग हो, गधों के सरदार हो। राइट सर। साले दो तीन बच्चे मिलकर तुझे बेवकूफ बना गए, एक दिन और वेस्ट हो गया और वो पेड़ वैसे के वैसे ही खड़ा है। सर, वो बच्चे इतने शैतान है, मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत तकलीफ थी सर, बहुत तकलीफ थी। बट सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, जल्द से जल्द पेड़ काटने की परमिशन मिल जाएगी। परमिशन? यस सर। अरे बिल्डर लोग परमिशन की वेट करते ना तो मुंबई का एक पेड़ नहीं कटता। राइट सर। देख, आज रात को सोसाइटी के सब लोग सो रहे होंगे, वो बच्चे भी सो रहे होंगे, रातों रात तू वो पेड़ को काट दे, हम पे कोई शक भी नहीं करेगा। We love nature. सर, जबरदस्त आइडिया सर। समझो आज रात कोई पेड़ कट गया। चलो चलो जल्दी, आज रात कोई पेड़ का काम तमाम करते हैं। हाँ। रात को यहाँ पुलिस क्या कर रही है? साहब, वहाँ देखो कुछ लोग खड़े हैं। आज मैं तेरा एनकाउंटर करके ही रहूँगा। क्या लपड़ा यहाँ पे? तू जानता नहीं तू किसके सामने खड़ा है? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भाया नायक के सामने। अखा मुंबई पुलिस में मेरा बट है। अब तक 56 एनकाउंटर कर चुका हूँ डेढ़ फुटिए। ये पुलिस इनकाउंटर का मसला है, वहाँ खतरनाक पुलिस इंस्पेक्टर भया नायक है। चलो साहब, यहाँ से पतली गली से करके बढ़ती है साहब। नहीं नहीं, यहीं पे छुपते हैं। हाँ। ये यहाँ से जाने के बाद हमें पेड़ काटना है। हाँ। अरे बाप रे, भागो, चलो जल्दी। रुक जा वरना गोली खाओगे। इतनी रात गए कुल्हाड़ी लेकर क्या कर रहे हो? नहीं कहीं नहीं, इधर इधर ही पेड़ काटने जा रहे थे। अच्छा, तो पेड़ का एनकाउंटर? क्या मजाक कर रहे हैं साहब, पेड़ में भी जान होती है। अच्छा, तो पेड़ काटना कैंसल। गुड नाइट साहब। रुक जा, तुम लोगों ने सब कुछ देख लिया, अब तुम लोगों को ठोकना ही पड़ेगा। चलो 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 चलो। और अब ये रेलवे एंड से नेक्स्ट ओवर बिफोर द लंच। बहुत ही अच्छा सेशन रहा है मुंबई टीम के लिए। और एक अगर और एक गोली की आवाज करते तो गुप्ता को तो हार्ट अटैक आ जाता। मुझे मिमिक्री करना सिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर बदले में क्रिकेट मैच देखने को मिलेगा, बढ़िया केक मिलेगा, तो सब कुछ सिखा दूंगा।
अरे ये पार्टी तुम्हारे मदद के लिए थोड़ी है। तो ये तो हमारे दोस्त राहुल के मैन ऑफ द मैच बनने की पार्टी है। उसने दिल्ली के खिलाफ 6 विकेट और 70 रन बनाए। बहुत बढ़िया। ये राहुल कौन है? राहुल तुम्हारा पोता, राहुल आपटे, नागपुर के टीम का कैप्टन है। अगले महीने इंग्लैंड टूर पे जा रहा है, तो तुम्हें तो अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। मैं पेड़ बचाने में तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम मेरा घर बसाने की कोशिश मत करना। रावण, रावण रुको, मेरी पूरी बात को सुनो। राहुल ने हैट्रिक की, हैट्रिक। वो बॉलर राहुल है। Well played, man. Thanks. चल चल, लेट हो रहा है। हाँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ बोलिए, कुछ चाहिए आपको? राहुल चल। अरे रुक ना यार, आता हूँ। राहुल लेट हो रहा है। आ रहा हूँ, एक मिनट रुक। पिताजी, मेरा बेटा आपकी तरह अपनी जिंदगी धूल मिट्टी में बर्बाद नहीं करेगा। बेटा, उसके हाथ में जादू है। पिताजी। विनोद बेटा, ये मिट्टी, ये कला हमारी विरासत है। आपको इस घर में रहना है तो मेरी सुननी पड़ेगी, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। राहुल चलो यहाँ से। नहीं, मुझे सीखना है। नहीं पापा, मुझे सीखना है। मिस्टर अस्थाना, दिस इज वन ऑफ माय प्राइम प्रॉपर्टी। व्हाट अ ब्यूटीफुल लोकेशन एंड क्या खूबसूरत बिल्डिंग। माई गॉड, फैंटास्टिक। आई एम वेरी श्योर यू विल बुक एन एंटायर फ्लोर। ठीक है, तो आप कल आ जाइए। ऑफ कोर्स मॉडल फ्लैट दिखा देते हैं आपको। ओके बाय। हाँ भाई, झूठों के सरदार। अरे तू गुप्ता तू, ये क्या है नया स्टोरी, इंस्पेक्टर एनकाउंटर है? नहीं सर, आप मेरा विश्वास कीजिए, वो इंस्पेक्टर भयानक वहां था। गनीमत है कि हमारी जान बच गई। जान तो तेरी बिल्कुल बच गई, ये काम तेरे बस का नहीं है। इस पेड़ को मैं काटूंगा। मैं देखता हूं ये पेड़ साला कैसे बचता है। ये पेड़ तो गया। और सुन, देखो अस्थाना, फ्लैट देखने के लिए आ रहे हैं, मॉडल फ्लैट को एकदम चमका देना। हाँ, वो आदमी खड़ा है ना जहां पे, वहां बोर्ड है। रुको जरा एक मिनट। बाबा, ओ बाबा, बख्शी बिल्डर्स का साइट देखा है क्या? सीधा जाइए, पर बोर्ड पे लेफ्ट और राइट दोनों लिखा है। जाइए ना। 10 रुपए दे रहा। ये लो बाबा, ये लो आपके लिए, रख लो। आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको एक उपहार दे रहा हूं। इस पौधे की तरह, इस प्रकृति की तरह आपका परिवार हरा भरा हो, फले फूले। अकबर, अकबर, अकबर सर, लीजिए ना। नहीं चाहिए बेटा। सर, मैं बेच थोड़ी रहा हूँ, ये तो एक गिफ्ट है। सर, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें लिखा है कि मुंबई में हर साल 20,000 पेड़ काटे जाते हैं। सर, ये पौधा हम सब एक एक करके हर साल 20,000 पौधे लगाएंगे। सर, सर प्लीज लीजिए ना, हर एक सैपलिंग बहुत कीमती है। थैंक यू। बख्शी बिल्डर्स का कंस्ट्रक्शन साइट यही है? हाँ। रुको जरा। थैंक यू।
जाना है साहब? बख्शी जी के ऑफिस जाना है। आप यहाँ पे फ्लैट खरीदने आए हो? हाँ। तो ये लीजिए मेरी तरफ से सैपलिंग। ऑलरेडी दो सैपलिंग्स हैं, एक और? एक से बोले दो, दो से बोले तीन। वैसे आपके पास कितनी कार्स हैं? तीन। अरे बाप रे, आपको पता है एक कार कितना एयर पॉल्यूट करती है? वो तो ठीक है, बट इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स माय नीड बेटा। ठीक है, आपको जितनी कार चाहिए उतनी खरीदिए, लेकिन हर कार के साथ एक पौधा लगाइए, क्योंकि आपकी कार जितना कार्बन छोड़ेगी उसे पेड़ खा जाएगा और ऑक्सीजन बाहर फेंकेगा। ऑक्सीजन बढ़ेगा तो पॉल्यूशन कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी टलेगा। लीजिए ना सर। यस यू आर राइट, लगता है आज वर्ल्ड सैपलिंग डे। थैंक यू। हाँ, बख्शी साहब का ऑफिस इस बिल्डिंग के पीछे, मेरी ड्यूटी खत्म, चलता हूँ साहब। वेलकम वेलकम मिस्टर अस्थाना। अरे हम तो आप ही की राह देख रहे थे, साइट ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? हाँ बख्शी जी, सुबह से काफी घूमना हो गया। चलिए आपका मॉडल फ्लैट जल्दी से देख लेते हैं। बस अभी गुप्ता, आयस गुप्ता, मॉडल फ्लैट का चाबी लो, चलो जल्दी जल्दी आइए। सर एक प्रॉब्लम है, चाबी मिल नहीं रही है। सर क्या बात कर रहा है गधे, चाबी तो हमेशा तेरे पास रहती, जल्दी लेकर आ, जल्दी लेकर आ, बड़ा कस्टमर है। आइए आइए अस्थाना जी। अभी अभी लाए, यहाँ तो रुकी थी, कहाँ गई? साहब तो बैठ। साहब हाँ, क्या यही चाबी ढूंढ रहे हो? यहाँ कैसे पहुंची? आइए सर आइए, ये है हमारा मॉडल स्पेशियस फ्लैट, हाइट 9 feet 3.5 inches। आप तो मैं कहता हूँ टॉप फ्लोर के पूरे फ्लैट ले लीजिए, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू एंड जबरदस्त हवा, वेरी एरी। अच्छी हुआ अच्छी हुआ। जल्दी बोल कस्टमर के साथ में। हाँ तो अच्छी प्रॉपर्टी होगी तो हम तो कहीं भी नहीं ढूंढते। अरे पार्क हो, शौचालय हो, सब चलेगा। बख्शी साहब जरा यहाँ आइए। क्या? वन मिनट। लगता है आपको इन सैपलिंग से बहुत मोहब्बत है, ये देखिए आपने तो पूरा रेन फॉरेस्ट बिछा दिया है। यू नो आई लव नेचर। नेचुरल बिल्डर सर? यस आई लव नेचर। नीचे मैं बहुत बड़ा गार्डन बनाने वाला हूँ, वहां पर क्या है ना, ये बहुत सारे पौधे, ये सारे सारे के पौधे वहां ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, शिफ्ट कर दिए जाएंगे, वी विल मेक ए ब्यूटीफुल गार्डन। आई लव नेचर। यू शुड, गुड, लव नेचर। गुप्ता गुप्ता, तूने तो फ्लैट चमका दिया, अच्छा खासा चमका दिया। मैंने चमकाया था सर, पता नहीं सर ये पौधे कहां से उगे। 10 मिनट 10 मिनट में पता कर ये पौधे कहां से आए, वरना मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। मालूम है इस बार पक्का निकाल दूंगा मैं। ये पूरा एरिया बड़ा जबरदस्त हो जाने वाला है, मॉल जा रही हैं सामने, सिनेप्लेक्स आ रहे हैं, मेरे पास तो एक फ्लैट के 10-10 क्लाइंट्स हैं। आप अपने पुराने इन्वेस्टर हैं इसलिए बोल रहा हूँ, जल्दी से बुकिंग करा लीजिए। अंकल आपको फ्लैट पसंद आया? हाँ बेटा पसंद आया। यानी आपका हाउस तो बन जाएगा लेकिन हमारा ट्री हाउस तो टूट जाएगा, क्योंकि आपके फ्लैट के लिए ये लोग इस पेड़ को काट रहे हैं। अरे रे बेटा, ये पेड़ काटना बहुत जरूरी है, तुम क्या समझोगे बड़ों की बातों को। इन पेड़ों की बातें आप कहाँ समझ रहे हैं सर? इस एक पौधे को एक बड़ा पेड़ बनने में कितने साल लगते हैं मालूम है आपको? आप तो बस इस पेड़ को 1 घंटे में काट दोगे। ये पौधा मुझे दे दीजिए, मैं लगा देता हूं। नहीं नहीं नहीं, अगर आप लगाएंगे तो ये मर जाएगा। लेकिन अंकल आप हमारे पेड़ को बचा सकते हैं, देखिए अगर आप इन्हें रोकेंगे तो ये मान जाएंगे। हमारा पेड़ तो किसी होर्डिंग के सामने नहीं आता और वो सड़क के बीच में भी नहीं है। प्लीज सर हमारे ट्री को बचा लीजिए। बच्चे बड़े इमोशनल हो रहे हैं। ये ये लीजिए, बहुत खूबसूरत पौधे हैं, बच्चों ने मुझे दिए, इन्हें गार्डन में जरूर लगाइए। आई लव नेचर, एक ही चीज से प्यार है मुझे, नेचर से। दैट्स ट्रू, आई विल सी यू। ओके चलो। तो तुम वो बच्चे हो जिनकी गुप्ता इतनी तारीफ करता है, आज दर्शन हो गए। आई लव नेचर। मैं तो अपनी बिल्डिंग में सब कुछ नेचुरल इस्तेमाल करता हूँ,
आप लोग इस पेड़ को बहुत प्यार करते हैं ना, दैट्स गुड। इसीलिए आपने मेरे सबसे बड़े क्लाइंट को सब बता दिया। आई लव नेचर। कल मैं इस पेड़ को काट के फेंक दूंगा। सरकार का परमिशन है मेरे पास में, परमिशन है। अभी तक जो तमाशा होना तो हो गया, अब मैं देखता हूँ तुम लोग इस पेड़ को कैसे बचाओगे। सर, इनकी नौटंकी में ये 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 कामचोर भी शामिल। हाँ, और इसी 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 ने मॉडल प्लेट की चाबी चुराई थी, चाबी चुराई थी। और ये 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 इन बच्चों का खबरी है। काम मेरे लिए करता है और इनकी रामलीला में शामिल है। तुझे और तेरी माँ को देखना पड़ेगा। भपता, ले जाता उसको अभी। छोड़ दो उसे। ए, हट। उसने कुछ नहीं किया, हमने ही कहा था उसे। किसने क्या किया है सब पता चल जाएगा। मैं आज ही तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा कि किस तरह से तुम लोग मेरे काम में दखल अंदाजी कर रहे हो। तुम लोग नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। ओके? आई, वो सभी अच्छे दोस्त हैं मेरे। हमने गुप्ता को कई बार भगाया है। वो आमिर बाप के बच्चे हैं। वो जोकर ऐसे ही है और हमें हमें सिर्फ मार पड़ती है, गाली मिलती है। दोस्ती के खातिर कितनी मार पड़ी है तेरे को, कोई आया बचाने? देखो करण, तुम्हारे ऐसे बर्ताव से पेड़ नहीं बचेगा। आप क्यों नहीं बचाते पेड़ को? देखो, बख्शी साहब ने सोसाइटी को डोनेशन दिया है और सोसाइटी ने उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है, और उन डोनेशन के पैसों से सोसाइटी के मेंटेनेंस का खर्चा निकलने वाला है। सारे मेंबर्स यही चाहते हैं। एट करण, वी आर नॉट सोशल वर्कर्स। मिडिल क्लास लोगों के मोर्चा निकालने से कुछ नहीं बदलता। 20,000 प्लस 1 इज 20,001। एक पेड़ से क्या फर्क पड़ता है? वो कोई चार फलियों का लकड़ी का घर नहीं आई, वो घोंसला है हमारा। मेरे को समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता क्या है? तब से बोले जा रहा है, अरे सबसे पहले घर से पहले ये पेड़ पालना पड़ता है। पेड़ कहाँ जाऊंगी मैं तुम दोनों को लेके? इन अमीर बच्चों के चक्कर में अगर ये गुप्ता में निकाल दिया ना, तो इस भिखारी के साथ बैठ के भीख मांगना पड़ेगा। तब क्या करेगा? यही चाहता है ना? भीख मांगती रहूंगी क्या मैं? अब क्या करूं मैं? तब से सुनता नहीं, समझता नहीं। क्या करूं मैं? तू रो मत आई, तू रो मत। मैं कभी नहीं जाऊंगा वहां पे, नहीं जाऊंगा मैं। आई, कभी नहीं जाऊंगा मैं वहां पे। सर, 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 क्या है? वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो। हाँ, हाँ, ये वो भिखारी है ना? नहीं, सर, भिखार नहीं सर, यही बच्चों को भड़काता है। देखो, जब हम पेड़ काटने जाएंगे ना, तो ये अपनी टांग अड़ाएगा। कैसे अड़ाएगा? ये अड़ाएगा, ये। अरे हम क्या कोई अंडे में बंद किए हुए चूजे हैं? जिसका जब दिल करेगा ऑमलेट बना लेगा, जिसका जब दिल करेगा उबाल के खा लेगा। इस बार पहला अंडा मैं मारूंगा। लेकिन मेरे को नहीं लगता इसको अंडे से कुछ होगा सर। अबे गधे, कुत्ता, इसको इस बार ठिकाने मैं लगाऊंगा। ओ वो पेड़, आई लव नेचर। रावण, तुम ऊपर हो क्या? रावण, सुनाई दे रहा है? बाव 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 बाव। इतनी रात गए, क्या कर रहे हो? मुझे एक भयानक सपना आया। हमारा पेड़ नहीं बचेगा, और अब तो राम भी हमारे साथ नहीं है। बख्शी ने तुम्हारे सोसाइटी को पैसे दिए और राम की मां को लात। राम की हालत उसकी मजबूरी है, लेकिन तुम मायूस मत हो।
अभी तक हम लोगों ने पेड़ को बचाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे। रियली? भगवान की प्रार्थना करते हो? दिन में 2 बार। बस सच्चाई से अपना काम करो और बाकी उन पे छोड़ दो। क्रिकेट में तो तुमने सुना है, द गेम इज नॉट ओवर टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। अरे तुम इंग्लिश बोलते हो? मेरा पोता राहुल इंग्लैंड जा रहा है। आई हैव टू स्पीक टू हिम इन इंग्लिश, है ना? इसका मतलब तुम वापस अपने परिवार से फ्रेंडशिप करोगे? सब कुछ बदल देता है। बेटे बहू माफी मांग रहे हैं, 2 कदम वो आगे बढ़ेंगे, मैं 2 कदम आगे बढ़ूंगा। अपनी जिद में बाकी जिंदगी मैं अकेला नहीं बिताऊंगा। तुम लोगों की दोस्ती ने हमें सिखाया है, ये बुढ़ापा एक नया बचपन है। ये बचपन में राहुल के साथ जीऊंगा, राहुल के साथ जीऊंगा। हाँ, I have got a surprise gift for you. ये तुम्हारे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए मैंने अपने हाथों से बनाया है। तू इधर रहता है? हाँ, क्या हुआ? क्यों मैं बूढ़े? बहुत दंगा फैलाता है तू, तेरे खिलाफ बहुत शिकायतें आई है। साहब सब झूठ है, साहब सब झूठ है। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? इसका झोपड़ा तोड़ दो, चल बेसर। तुझे थाने की सच्चाई दिखाता हूँ, चल। नहीं साहब, मैंने किसी को परेशान नहीं किया, कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया। सर ये बहुत अच्छे इंसान है सर, इन्हें क्यों लेकर जा रहे हो? ए लड़के, जबान मत लड़ा, या तुझे भी थाने लेकर चलूं? नहीं साहब, इसे कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए। ए तू बीच में मत पड़, घर जा, घर जा तू। चल गाड़ी में बैठ। रावण, तुम्हारा बैग कहाँ है? रावण जल्दी बता, रावण तुम्हारा बैग कहाँ है? भूलती क्यों नहीं, बताओ ना। सर सर प्लीज गाड़ी रुकिए सर, इनका बैग पीछे छूट गया है, प्लीज। ए बच्चे, बड़े कलाकार है सर, बहाना मत बना, चल। अरे गाड़ी काट। रावण, रावण बताना तुम्हारा बैग कहाँ है? रावण, रावण बताना। गुड बाय भिखारी। मेरे पास कोई मॉडल नहीं है और इस प्रोजेक्ट के लिए ना ही मैंने कोई रिसर्च किया है, लेकिन हाँ मैंने एक घर बनाया है अपने दोस्तों के साथ, जहाँ हमने दिन भर बहुत मस्ती की है। इस घर ने हमें 2 दोस्त दिए, एक भिखारी और एक मजदूर लड़का, और आज तक इस दोस्ती की मजबूती से हम हमारे ट्री हाउस को बचा पाए। ये ट्री हाउस ब्रिक्स या सीमेंट से नहीं बनाया गया, घर ब्रिक्स से नहीं, रिश्तों से मजबूत बनता है। हाँ, हमारे घर का असली रॉ मटेरियल तो वो पेड़ है, उस पेड़ में भी जान है, लेकिन उसने कभी ट्री हाउस बनाने से हमें रोका नहीं, और कल उसे काट भी दो तो भी वो कुछ नहीं करेगा। जो लोग उसे काटने से रोक सकते हैं वो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, एक पेड़ ही तो है। तो आज एक पेड़ काट देते हैं और कल दूसरा, और एक एक करके हम हजारों पेड़ काट देते हैं और उन पर बने हुए
अनगिनत घोंसले तोड़ देते। कल हमारा भी पेट कटेगा। किसी को क्या फर्क पड़ता है? इडियट गुप्ता पे बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे। खुद इधर खड़ा रह के ये काम करवाऊंगा मैं। देखा देखा, इसे कहते हैं मेरा असर। इस बिल्डिंग का एक भी बच्चा नहीं है इधर। तुम बजा। अरे यार, ये पेड़ तो मुझे हार्ट अटैक देकर छोड़ेगा। ए बच्चों, ए बच्चों, नीचे आ जाओ। अरे तुम लोग नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारी हर बात सुनने को तैयार हूँ। पेड़ मत काटो। क्या कहा? पेड़ मत काटो। बहुत हो गया तुम लोगों का तमाशा। तुम लोग बख्शी को जानते नहीं हो। अब देखना मैं क्या करता हूं। यू जस्ट वॉच। चल कुछ पंगा होगा। मैं जितनी दिवाली चाहिए मैं दूंगा। इन बच्चों को इस पेड़ से नीचे उतारो और भगाओ यहां से। यस सर। मुंबई में छेड़ा गया है अद्भुत युद्ध। एक तरफ है ये बच्चे जो इस पेड़ को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कर रहे हैं और अपने जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ है शहर के मशहूर बिल्डर बख्शी कंस्ट्रक्शन। हाँ तो बख्शी जी, इन बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? मेरे पास सरकारी परमिशन है इस पेड़ को काटने की। और ये देखिए, आज के बच्चे गुंडागिरी पर उतर आए हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं। बख्शी कंस्ट्रक्शन वर्सेस ये मासूम बच्चे। मासूम? इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में भी इतना रोमांचकारी संघर्ष नहीं होगा। अब हमें ये देखना है क्या ये बच्चे इस पेड़ को बचा पाते हैं या नहीं। हम नीचे नहीं आएंगे। अरे ये लोग तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, जल्दी से नीचे आओ। I'm sorry मम्मी, पर मैं नीचे नहीं आऊंगी। लड्डू, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। रितेश बेटा नीचे आ जाओ। रुक जाओ। नीचे आ जाओ रितेश। करण, करण नीचे आओ। करण अभी नीचे आ जाओ। करण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन सबको कहो और नीचे आ जाओ राइट नाउ। देखो किसी को भी चोट लग सकती है। चोट तो पेड़ को लगेगी अगर हम लोग नीचे आ गए तो। करण डोंट एक्ट टू स्मार्ट। देखो संभालो। रितेश लग गई ना आपको? आपको बोला था चलो अब यहाँ से चलो। करण तुम्हारे बहकाने से तुम्हारे दोस्त ऊपर हैं। तुम नीचे नहीं आए तो वो भी गिरेंगे। अब एक ट्री हाउस के लिए तुम इतने खुदगर्ज कैसे बन सकते हो? गेट डाउन, देयर आर बेटर वेज ऑफ डूइंग दिस। प्लीज नीचे चलो।
अरे गाड़ी साफ कर। हाँ साहब। ओके सर, तुम्ही कधी येणार पुन्हा? उद्या परवा येईन। तुम्ही व्यवस्थित तयारी ठेवा। ठीक आहे, येतो मी। ओके सर। ए, ये आदमी किधर गया? अरे मेरा पेट! मत कर! अभी मुझे तेरा नौटंकी नहीं चाहिए। ऑलरेडी इधर बहुत ड्रामे हो गए। ए भाई संभाल तेरे इस काम से। लाग देखो मैं कभी काम चोरी नहीं करूँगा। अब जो काम कहेंगे वो करूँगा। हमारा ये पेड़ मत काटिए, हमारा घोंसला मत तोड़िए। अच्छा 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 अच्छा, ये ट्री हाउस तुम्हारा घोंसला है? अच्छा अच्छा, आजा बेटा आजा, नहीं काटते। ये घोंसला तूने बनाया? मैंने बनाया। तेरा डिजाइन है? अब तू ही काटेगा इसको, काट इसको। ए सलिया दे इधर, इधर। चल 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 चल, काट इसको। ये घोंसला तूने बनाया है, अब तू ही काटेगा। समझ गया बात को? चलो सबके सामने काट इसको, अभी इसी वक्त काटो। चलो चल भाई, नहीं तो तुम दोनों को अभी काम से निकाल दूंगा। बोल इसको, चल बोल इसको काटने के लिए, नहीं तो तुम दोनों को अभी यहाँ से काम से निकाल के सड़क पर फेंक दूंगा। बोलो, तूने मेरी साइड से लकड़ियां चुरा के ये अपना घोंसला बनाया, अब तू इसको तोड़ेगा। ऊपर चढ़ और ट्री हाउस को तोड़ दे। ए भाई बोल इसको, बोल। सभी और टाइम वेस्ट नहीं करने का, काटो इसे जल्दी। रुको रुको रुको, ए तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, चल यहाँ से भाग, चल। मैं तुम्हें कोई गलत काम करने नहीं दूंगा। ये पेड़, ये डाली, ये पत्ते, ये सब में भगवान है, लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते। लालच में तुम अंधे हो गए हो। मैं तुम्हें ये पेड़ काटने नहीं दूंगा। ए तू हो तो कौन है? चल यहाँ से, चल तू पहले। ए पाटिल, किस बात के पैसे देता हूँ मैं तुम लोगों को? एक भिखारी को नहीं संभाल सकते? सर आई एम रियली सॉरी सर, ये एड़ा अतरंगी है सर, मैं इसे हैंडल करता हूँ। अबे चल बे, चल चल। ए बख्शी, तूने इनकी तपस्या नहीं देखी, लेकिन वो देख रहा है। ये पेड़ इनकी प्रार्थना है और भगवान इनकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा, कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। अच्छा, तुझे बहुत विश्वास है ना कि ये पेड़ बच जाएगा? बिजली गिरेगी मेरे ऊपर और मैं चल जाऊंगा और ये पेड़ बच जाएगा।
बारिश होगी जोर की और मैं बह जाऊंगा और ये साला पेड़ बच जाएगा। ये भिखारी, हिलना नहीं तू यहां से, यहीं खड़े रहना और तेरे सामने ये पेड़ काटूंगा मैं। ए इडियट्स, तुम कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? काटो इसको। कोई बिजली नहीं गिरी मेरे ऊपर अभी तक। साहब ये तो खोखला है। अरे जैसा भी है काट इसको। साहब ये देखिए क्या पेड़ में गणपति। अरे यार ये पेड़। देख उधर देख, वो देख, वो देख गणपति पापा। अरे चमत्कार हो गया, ये तो स्वयं वो प्रकट हुए। बोलो गणपति पापा। हमारा पेड़ बच गया। ये, ये। प्रिया, जरा वो बैग दिखाना। बैग? गणपति के पिक्चर्स। वाव। यही रावण के हथियार है? ये हथियार नहीं, मूर्ति बनाने के औजार है। मतलब अभी तक हम लोगों ने पेड़ को बचाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे। अब तुम्हारा ये पेड़ कोई नहीं काटेगा। मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। ये! इतने तमाशे के बाद मेरी जान में जान आई, मुझको बचा गई रावण और बच्चों की चतुराई। हाँ भाई, मैं ही हूं ये घुंघराले पत्तों वाला गुड लुकिंग ट्री, और मेरी तोंद के मंदिर से होता है चंदा कलेक्ट, जिससे राम जाता है स्कूल, बनना चाहता है आर्किटेक्ट। संभाल के जाना। प्यार का चमत्कार हो गया, इनका बेड़ा पार हो गया, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप में प्यार हो गया। और हाँ, हमारे मांझी रावण जी यानी कि सुधीर आपटे हमारी नैया पार लगा के अपने घर को झपटे। अब अपने पोते को भी मेरी कहानी सुनाते हैं, पर गणपति बप्पा का सीक्रेट नहीं बताते हैं। पर सारे पेड़ इतने किस्मत वाले नहीं, क्योंकि सब लोग इन बच्चों की तरह हमारे रखवाले नहीं। रोज कट रहे हैं, गिर रहे हैं, हो रहे हैं गुम, क्या फिर भी कुछ ना करोगे तुम? आने वाली पीढ़ियां भूल जाएंगी पेड़ों की आहट, पत्तों की सरसराहट, बारिश की टपटपाहट। तुम्हारी दुनिया का ये हिस्सा नहीं बचेगा, जोर लगाओ।